हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स टेलर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि रिलेटेड एंजाइम्स से, और साथ ही साथ करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs जो कि आपके आने वाले एग्जाम, चाहे वो आपका एग्जाम GIC का हो, चाहे UPSC का हो, या NEET का हो, या आने वाले CSIR, ICMR या DBT, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम हो, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटेड है एंजाइम से, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट MCQs जो कि आपके आने वाले वाले एग्जाम में जो है इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम एंजाइम्स पार्ट 1 करेंगे, यानी कि हम इसमें जो एंजाइम्स के जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है क्वेश्चंस को लेंगे, और साथ ही साथ जो है हम इन क्वेश्चंस को पार्ट वाइज करेंगे। जैसे पार्ट 1 में हम लोग 15 क्वेश्चन करेंगे, पार्ट 2 में ऐसे करके जो है हम लोग डिफरेंट पार्ट में करेंगे, ताकि हम लोग को ये जो MCQs हैं वो अच्छे समझ में आए और हम लोग जो है देख सके कि कितने क्वेश्चन जो है हम लोग इस पार्टिकुलर टॉपिक से सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये है द जनरल मैकेनिज्म इज डेट एन एंजाइम एक्ट, ठीक। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, ये जो आपका जो हम लोग जो टॉपिक लिया है वो उन्होंने एंजाइम्स लिया, तो मैं आपको यहाँ पे मार्क कर देता हूँ एंजाइम्स, ये हमारा पार्ट 1 है, ठीक है। तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में लेके जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ताकि हमें कोई भी डाउट ना हो और हमारी प्रिपरेशन जो है आने वाले एग्जाम के लिए अच्छी हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है द जनरल मैकेनिज्म इज दैट एंड एंजाइम एक्ट्स बाई, ठीक है। तो एंजाइम क्यों, कौन सा जनरल मैकेनिज्म है जैसे कि कैसे वो काम करता है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है एंजाइम, और जब सब्सट्रेट जो है आपका जो है जब आपका जो एंजाइम और सब्सट्रेट होता है, जब आप रिएक्ट करता है तो वो प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। जो कि जैसे आपको सबको पता है, जैसे कोई भी एंजाइमेटिक रिएक्शन अगर होती है, यानी कि कोई भी अगर एंजाइमेटिक रिएक्शन हो रही है, तो उसमें एंजाइम और सब्सट्रेट, ठीक है, दोनों का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तब जाके वो क्या बनाता है, एक प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ कुछ एनर्जी भी रिलीज होती है, ठीक है। तो इसमें ये पूछा गया है कि जो एंजाइम है वो कैसे एक्ट करता है। तो हमारा ऑप्शन है बाय रिड्यूसिंग द एनर्जी ऑफ द एक्टिवेशन, सेकेंड है इंक्रीजिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, थर्ड है डिक्रीजिंग द pH, फोर्थ है हमारा इंक्रीजिंग द pH, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो हमारे इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर A, बाय रिड्यूसिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ठीक है। तो कोई भी एंजाइम हो, ठीक है, चाहे आपका किसी भी फैमिली का एंजाइम हो, वो हमेशा जो एक्ट करेगा, एक्ट कैसे करेगा, बाय रिड्यूसिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मोस्टली जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें ये क्वेश्चन जो है एक ट्रेडमार्क क्वेश्चन है, तो ये मोस्टली आता ही आता है, ठीक है। तो उसका ये आंसर क्या हो गया, रिड्यूसिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं द को एंजाइम इज, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, द को एंजाइम इज, तो को एंजाइम क्या होता है, ऑप्शन A ऑफ इन अ मेटल, ऑप्शन B ऑलवेज अ प्रोटीन, ऑप्शन C ऑफ इन अ विटामिन, ऑप्शन D ऑलवेज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो को एंजाइम जो है वो क्या होता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर C ऑफ इन अ विटामिन। तो को एंजाइम क्या होता है, एक टाइप का फैक्टर होता है, या हम बोल सकते हैं इसे को फैक्टर एक टाइप का, ठीक है, को फैक्टर, ठीक है। तो को एंजाइम क्या है, एक टाइप का विटामिन होता है, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या हो गया, ऑफ एन आ विटामिन, ठीक है। तो को एंजाइम जो है वो मोस्टली क्या होता है, विटामिन होता है, ठीक है। हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एंजाइम डैश ज्वाइंस द एंड्स ऑफ 2 स्ट्रैंड्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। यानी कि वो एंजाइम या कोई भी एंजाइम जो है, जब वो कोई भी दो एंड किसी भी न्यूक्लिक एसिड का, चाहे वो DNA हो, चाहे वो आपका RNA हो, ठीक है। तो एंजाइम जब 2 स्ट्रैंड को, किसी भी न्यूक्लिक एसिड के 2 स्ट्रैंड को ज्वाइंट करता है, तो कौन सा एंजाइम जो है वो पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसा कि आपको नाम से लग रहा है ज्वाइंस, ठीक है। तो यानी कि जो 2 एंड स्ट्रैंड्स को जोड़ता है न्यूक्लिक एसिड के, चाहे वो DNA या RNA के 2 स्ट्रैंड को जोड़ता है, तो कौन सा एंजाइम होता है। तो हमारा ऑप्शन है पॉलीमरेज, लाइगेज, सिंथेटेज, हेलिकेज, ठीक है। इसमें देखिए आपको इसमें ऑप्शन सही लग जाएगा कि दो एंजाइम जो कोई भी न्यूक्लिक एसिड है उसे 2 स्ट्रैंड को जो जोड़ रहा है एंजाइम, वो कौन सा होगा। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो है लाइगेज, ठीक है। लाइगेज क्या एंजाइम होता है, इट हेल्प्स एंड ज्वाइंस 2 स्ट्रैंड्स, ज्वाइंस 2 स्ट्रैंड्स, 2 स्ट्रैंड्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, तो ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड आपका चाहे वो DNA हो, चाहे वो आपका RNA हो, क्लियर।
तो ये हमारा जो इसमें करेक्ट आंसर है वो लाइगेज। अब देखेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ एपो एंजाइम एंड को एंजाइम। तो यहाँ पे जो है क्या प्रोड्यूस होता है जब एपो एंजाइम और आपका जो को एंजाइम है वो कंबाइन होते हैं, तो क्या प्रोड्यूस होता है? तो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर वो है होलो एंजाइम। क्या है? होलो एंजाइम। ठीक है, तो होलो एंजाइम में हमारा करेक्ट ऑप्शन है होमो एंजाइम इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन ऑफ एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम। ठीक है, जब भी एपो एंजाइम एंड को एंजाइम जो है वो कंबाइन होते हैं देन इट विल बी इक्वल टू होलो एंजाइम। लिया, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो गया वो है होलो एंजाइम। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पिटेटिव इनिबिशन ऑफ एन एंजाइम इज द इनिबिशन ऑफ। तो यहाँ पे देखिए आपको एग्जाम्पल बताना है कॉम्पिटेटिव इनिबिशन। जैसे आपने पढ़ा है एंजाइम काइनेटिक्स में, एक होता है कॉम्पिटेटिव इनिबिशन होता है, एक आपने पढ़ा होगा नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिशन, एक होता है अनकॉम्पिटेटिव। ठीक है, तो थ्री टाइप्स की कॉम्पिटेटिव इनिबिशन होता है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे एग्जाम्पल बताना है कि कौन सा जो एग्जाम्पल वो कॉम्पिटेटिव इनिबिशन का है। ऑप्शन ए सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज बाई मेलोनिक एसिड, ऑप्शन बी साइटोक्रोम ऑक्सीडेज बाई साइनाइड, ऑप्शन सी हेक्सोकाइनेज बाई ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ऑप्शन डी कार्बोनिक हाइड्रेज बाई कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज बाई मेलोनिक एसिड, तो ये हमारा क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज बाई मेलोनिक एसिड इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। क्लियर, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ब्लॉकिंग ऑफ एंजाइम एक्शन बाई ब्लॉकिंग इट्स एक्टिव साइट्स। ठीक है, यानी कि ब्लॉकिंग ऑफ एंजाइम एक्शन बाई ब्लॉकिंग इट एक्टिव साइट्स इज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि कोई भी एंजाइम अगर ब्लॉक होता है, ठीक है, बाय ब्लॉकिंग इट एक्टिव साइट, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? यानी कि ब्लॉकिंग ऑफ द एंजाइम एक्शन बाय ब्लॉकिंग इट एक्टिव साइट, यानी कोई भी एंजाइम है, ठीक है, तो उसमें क्या एक्टिव साइट्स भी होती हैं। ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि जैसे कि मोस्टली जो एंजाइम्स है वो एक्टिव साइट्स पे होके जो है वो वर्क करता है, या एक्टिव साइट्स पे जाके जो है मोस्टली जो एंजाइम्स है दे एक्ट। ठीक है, तो मोस्टली एंजाइम क्या करते हैं? अगर सपोज वो हम लोग किसी भी एक्टिव साइट्स को अगर हम ब्लॉक कर देते हैं तो वहाँ पे जो रिएक्शन है वो सही से नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर सपोज ये एक्टिव साइट्स है इसे ही हम लोग ब्लॉक कर दें, ठीक है, तब क्या होगा? जो एक्शन है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या बोलेंगे? यानी कि ब्लॉकिंग ऑफ एंजाइम एक्शन बाई ब्लॉकिंग इट्स एक्टिव साइट एट। तो ऑप्शन क्या है हमारा? एक एलोस्टेरिक इनहिबिशन हो गया, ऑप्शन बी फीडबैक इनहिबिशन, ऑप्शन सी कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, ऑप्शन डी नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या है? कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो हमारा 6 का जो है वो सी, यानी कि कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। क्लियर, यानी ब्लॉकिंग ऑफ एंजाइम एक्शन बाय ब्लॉकिंग एक्टिव साइट इज कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। ठीक है, जैसा कि क्या होता है कि अगर मान लो कोई एक पार्टिकुलर चीज है, ठीक है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कोई भी अगर पार्टिकुलर एक हम लोग का, जैसे कि हम लोग एक बोल सकते हैं लॉक एंड की मॉडल के अकॉर्डिंग एक हम लोग का क्या है? लॉक है। ठीक है, अब उसमें जैसे आपने देखा होगा कि एक की, अगर आप जिस की से आप जो है आपने जो लॉक बंद किया है उसी की से नॉर्मली क्या होता है? ताला जो है वो ओपन होता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा क्या होता है कि अगर आप दूसरी की लगाते तब वो ओपन नहीं होता है। ठीक है, यानी इस एक्टिव साइट के लिए जो है इस एंजाइम जो है वो जो है रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, यानी कि उस एंजाइम के थ्रू क्या होता है या उस लॉक के थ्रू हम लोग क्या करें, उस की के थ्रू उस पर्टिकुलर लॉक को ओपन कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इसी को इनिबिट कर दें या इसका जो है इसका स्ट्रक्चर चेंज कर दें तब उस पर्टिकुलर जो की है उससे ये जो लॉक है वो ओपन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक टाइप का कॉम्पिटिशन हो जाएगा। फिर आपको क्या मास्टर की एक आती है, तो मास्टर की से अगर इसे आप ओपन करेंगे तो ये लॉक जो है ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हम लोग क्या करें, किसी भी एंजाइम की एक्टिव साइट को अगर हम ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, तो फिर यानी कि ब्लॉकिंग ऑफ द एंजाइम एक्शन बाय यूजिंग बाय ब्लॉकिंग इट्स एक्टिव साइट इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। क्लियर, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइस्टेज टेक्स पार्ट इन डाइजेशन ऑफ। ठीक है, यानी कि डाइस्टेज जो एंजाइम है इट टेक्स पार्ट इन द डाइजेशन ऑफ, यानी कि इसके डाइजेशन में हेल्प करता है
यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है बी स्टार्च। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्च में हेल्प करता है डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंजाइम कैटलाइजिंग रीअरेंजिंग ऑफ एटॉमिक ग्रुपिंग्स विदाउट अल्टरिंग मॉलिकुलर वेट और नंबर ऑफ एटम्स इज। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है लाइगेज, आइसोमेरेज, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंड हाइड्रोलेज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एंजाइम कैटेलाइजिंग रीअरेंजमेंट, यानी कि यहाँ पे क्या रीअरेंजमेंट में कौन सा एंजाइम जो है वो हेल्प करता है, लेकिन उसका जो मॉलिकुलर वेट है या नंबर ऑफ एटम है उसे चेंज करे बिना। ठीक है, यानी एंजाइम कैटेलाइजिंग रीअरेंजमेंट ऑफ एटॉमिक ग्रुपिंग्स विदाउट अल्टरिंग मॉलिकुलर वेट, तो यहाँ पे मॉलिकुलर वेट को अल्टर नहीं करेगा ना, और ना ही नंबर ऑफ एटम्स को चेंज करेगा या अल्टर करेगा। ठीक है, तो इस टाइप के एंजाइम्स किसकी कैटेगरी में आते हैं या उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, तो उन्हें हम लोग बोलते हैं आइसोमेरेज। ठीक है, नॉर्मली से आपको लग रहा है, ठीक है, आइसोमेरेज, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, आइसोमेरेज। तो आइसोमेरेज एंजाइम्स में जो भी आइसोमेरेज कैटेगरी में जो भी एंजाइम्स आते हैं वो क्या करते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं एटॉमिक ग्रुप्स को, लेकिन वो उसका जो मॉलिकुलर वेट है या नंबर ऑफ एटम है उसे चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गया आइसोमेरेज का, इसी टाइप के एंजाइम्स को आइसोमेरेज बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा एंजाइम कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व इन द एल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज। ठीक है, यानी कि कौन सा एंजाइम कॉम्प्लेक्स है जो कि इन्वॉल्व होता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, तो मोस्टली आप उन्हें सब पढ़ा होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दे रखा है जाइमेज, इन्वर्टेज, लाइपेज, एमाइलेज, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो गया जाइमेज। ठीक है, तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में जो है एंजाइम्स कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होता है या एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो है जाइमेज। क्लियर, अब देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जाइमोजन और प्रो एंजाइम ईजा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है जाइमोजन और प्रो एंजाइम ईजा मॉड्यूलेटर विटामिन एंजाइम प्रीकर्सर और हार्मोन। क्लियर, तो यहाँ पे फोर ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपकी नज़र में कौन सा सही है, तो जाइमोजन क्या है या प्रो एंजाइम। तो नॉर्मली प्रो एंजाइम क्या होता है, वो एक टाइप का प्रीकर्सर का काम करता है। ठीक है, तो ये जो है जाइमोजन और प्रो एंजाइम क्या है, इट इज एन एंजाइम प्रीकर्सर। ठीक है, यानी कि इसके थ्रू जो होता है एंजाइम सिंथेसाइज होता है। ठीक है, तो प्रीकर्सर का फॉर्म लाइक प्रीकर्सर का वर्क करता है, तो जाइमोजन या हम कह सकते हैं इसे प्रो एंजाइम। ठीक है, नाम से लगा प्रो एंजाइम, यहाँ पे डिफरेंट अगर डिवाइड करेंगे आप तो प्रो अलग कर दीजिए, एंजाइम अलग कर दीजिए, तो प्रो मतलब बिफोर। ठीक है, बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम। ठीक है, तो बिफोर तो वो क्या करेगा, एक प्रिकर्सर का काम करेगा, तो यहाँ पे प्रो एंजाइम क्या है, इट एक्ट्स एज अ प्रिकर्सर। ठीक है, तो इसी के लिए इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी सही है, एंजाइम प्रिकर्सर। अब देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ, बहुत ईजी क्वेश्चन है। एंजाइम जो नॉर्मली कोई भी एंजाइम वो किसका बना हुआ होता है, सबको पता है प्रोटीन्स का। ठीक है, जितने भी एंजाइम्स हैं सब प्रोटीन्स के बने होते हैं। ठीक है, और प्रोटीन्स किसका बना होता है, अमीनो एसिड्स का। ठीक है, तो ये चीज़ है, अमीनो एसिड जो मिलके प्रोटीन बनाते हैं, और प्रोटीन्स जितने भी प्रोटीन्स हैं दे आर एंजाइम्स। ठीक है, तो एंजाइम्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। क्लियर, तो एंजाइम जनरली बने होते हैं प्रोटीन्स से, तो यहाँ पे अगर अमीनो एसिड ऑप्शन दे रखा होता तब आप यहाँ पे अमीनो एसिड चूज करते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कैटलिस्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम एंजाइम्स इन। तो यहाँ पे देखिए कैटलिस्ट आर डिफरेंट फ्रॉम एंजाइम्स इन, तो यहाँ पे देखिए ऑल एंजाइम्स आर नॉट कैटलिस्ट एंड बट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये एक समझने वाली बात है कि कैटलिस्ट जो है और एंजाइम्स में मोस्टली क्या डिफरेंट है। पहला है फंक्शनल एट हाई टेम्परेचर्स, एक तो ये है फंक्शनल एट हाई टेम्परेचर, दूसरा नॉट यूज्ड अप इन द रिएक्शन, थर्ड है बींग प्रोटीनेसियस हैविंग हाई रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो करेक्ट आंसर वो क्या है, तो कैटलिस्ट आर डिफरेंट फ्रॉम एंजाइम्स इन नॉट यूज अप इन द रिएक्शन, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, तो देखिए जैसे एंजाइम कैटलिस्ट दोनों फंक्शन करते हैं हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, नंबर सी क्या, बींग प्रोटीनेसियस हो भी सकते हैं दोनों, हैविंग हाई रेट डिफ्यूजन वो भी सही है कि हो सकते हैं, या हम लोग कह सकते हैं कि मोस्टली सिमिलर हैं, लेकिन जो मेन डिफरेंट है वो डिफरेंस है वो है ऑप्शन नंबर बी, नॉट यूज अप इन द रिएक्शन, तो ये देखने वाली बात है। ठीक है, इसीलिए जो कैटलिस्ट है वो डिफरेंट है एंजाइम से, बिकॉज वो जो है रिएक्शन में पड़े भी रह सकते हैं, यानी कि लाइक क्या बोल सकते हैं, एज अ प्रिकर्सर भी वर्क कर सकते हैं, प्रिकर्सर, या हम बोल सकते हैं कि
अगर उनका कोई यूज़ भी, जैसे आपने कुछ रिएक्शन देखी होंगी जिसमें जो है कैटली, जैसे कि हमारा जो एंटी मनी है वो ऐसे ही पड़ा रहता है, मतलब कि ठीक कोई भी रिएक्शन में जो है कुछ जो कैटलिस्ट होते हैं वो सिर्फ सिंपली क्या होते हैं, एग्जाम के बाद सोते रहते हैं, ठीक है वो बस पड़े रहते हैं लेकिन उनका जो कोई रिएक्शन में काम नहीं होता है, ठीक है। ऐसे ही इसके अलावा जो है कुछ अलग टाइप के जो कैटलिस्ट वो काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ रिएक्शंस भी होती हैं जहाँ पे कैटलिस्ट तो रहता है लेकिन वो यूज़ नहीं होता उस रिएक्शन में, लेकिन वो पड़ा रहता है, ठीक है। इसलिए कैटलिस्ट और एंजाइम्स भी डिफरेंट है कि कैटलिस्ट जो है वो कुछ ऐसी रिएक्शंस भी होती हैं जिसमें वो यूज्ड अप नहीं होता है, वो सिंपली बस ऐसे ही पड़ा रहता है। उसके अलावा जो अदर कंपोनेंट या अदर कोफैक्टर होते हैं वो काम करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, एंजाइम्स और पॉलीमर्स ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एंजाइम्स और पॉलीमर्स ऑफ, ऑप्शन ए हेक्सोज शुगर, ऑप्शन बी अमीनो एसिड, ऑप्शन सी फैटी एसिड्स, ऑप्शन डी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। देखिए तो यहाँ पे आपको बताना एंजाइम्स और पॉलीमर्स ऑफ, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था तो एंजाइम्स किसके बने होते हैं, प्रोटीन्स के, ठीक है प्रोटीन्स के बने होते हैं, और प्रोटीन्स किसका बना होता है, अमीनो एसिड्स का, ठीक है। तो अमीनो एसिड से क्या बनता है, प्रोटीन, और प्रोटीन से क्या बनते हैं, या हम उन्हें एंजाइम्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। तो अमीनो एसिड, तो एंजाइम्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स। अब लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एंजाइम विच हाइड्रोलाइजेस स्टार्च टू माल्टोज इज, तो कौन सा ऐसा एंजाइम इनमें से जो हाइड्रोलाइज करता है स्टार्च टू माल्टोज में। तो ऑप्शन ए प्रोटीएज, ऑप्शन बी एमाइलेज, ऑप्शन सी लैक्टेज, ऑप्शन डी माल्टेज। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर बताना है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, एमाइलेज, ठीक है। तो स्टार्च ये आपका स्टार्च हो गया, स्टार्च जो माल्टोज में कन्वर्जन होता है वो किसकी हेल्प से होता है, एमाइलेज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो एमाइलेज जो एंजाइम में वो क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, वैल्यू नीडेड फॉर एंजाइम एक्शन इज, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू नीडेड फॉर एंजाइम एक्शन इज, ऑप्शन ए लो के एम, ऑप्शन बी लो के आई, ऑप्शन सी हाई के एम, ऑप्शन डी हाई के आई, ठीक है। तो इसमें एक चीज आप हमेशा याद रखिए कि कोई भी एंजाइम एक्शन के लिए लो के आई ही चाहिए होता है, ठीक है। अगर के आई का वैल्यू लो है, इफ के आई वैल्यू इज लो देन देर विल बी अ एंजाइम एक्शन, तो ये हमेशा याद रखना कि लो के आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लो के आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंजाइम एक्शन, ये हमेशा याद रखना क्योंकि ये कहीं क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, लो के आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंजाइम एक्शन, अगर लो के आई है तो एंजाइम एक्शन जो है वो होगा ही होगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने इंपॉर्टेंट 15 एमसीक्यू सॉल्व किए एंजाइम्स से रिलेटेड। तो हमारे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें हम लोग एंजाइम्स पार्ट टू में 15 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।